beautiful place, huh? इस धरती पे जमीन पर अगर जन्नत है तो यही है। मैं आर्मी ऑफिसर हूं, मैं गला साफ कर रहा था। मेरी नई नई पोस्टिंग हुई ना यहां पर, इसलिए मैं जगह का मुआयना करने आया हूं। मुआयना करना ही पड़ेगा। पुलिस एक आखिरी कोशिश कर रही है बॉर्डर पर चेकपोस्ट बनाने की। अगर आतंकवादी पहाड़ों से नीचे उतर आए और चेकपोस्ट बनाने नहीं दिया तो हमारी फौजें इस मिशन को टेक ओवर कर लेंगी। हमारा मकसद आतंकवादियों को खात्मा। सर राइट कैप्टन रणबीर। सर मैंने इस जगह का मुआयना भी किया। सर कैसी लगी? कौन सा? ये जगह खूबसूरत सर। खतरनाक भी है। लेकिन खूबसूरती तो खतरनाक होती ही है सर। किसी लड़की की बात कर रहे हो या इस जगह की? एनीवे बॉयज, याद रहे बुलावा कभी भी आ सकता है। तू हमारी बेटी राधिका की पिछली जिंदगी का राज दुनिया को बता देगा। मंत्री जी आपका फोन है। किसका फोन है? कैप्टन रणबीर का। हेलो। नमस्ते राजा साहब। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ राजा साहब। बताओ कब आ रहे हो हमसे मिलने? आज हमारे मेस में एक छोटी सी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि आप सब वहां पर जरूर आएं। हम आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। राजा साहब ये आवाजें कैसी हैं? कुछ नहीं बेटा, जरा एक्सरसाइज कर रहा हूँ टांगों की। अच्छा ओके देन, आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके ओके बेटा। जंगल में ले जाकर आग लगा दो इसकी लाश को, हड्डियां तक नहीं मिलनी चाहिए। चीयर्स। चीयर्स। तो उसे कहां मिला? मिला नहीं, सिर्फ देखा है उसे। कैसी है वो? ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये सारी कायनात, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ कुछ भी नहीं। घर में वो नहीं। वो है कौन? कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा। नाम? Thank you.
जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम। सोच रहा हूँ किससे पूछो उस लड़की का नाम, सोच रहा हूँ किससे पूछो उस लड़की का नाम। हे हे छलकता जा। सोच रहा हूँ किससे पूछो उस लड़की का नाम, सोच रहा हूँ किससे पूछो उस लड़की का नाम। हे हे कैसे हैं? कौन ठाकुर साहब? अरे मेरा दोस्त तुम्हारा बाप ठाकुर साहब। बाप? डैडी अच्छे हैं। क्या है? लड़का तो बहुत अच्छा है भाई साहब। शट अप। अच्छा है ना? बेटे हैं। अपनी जंग कब छेड़ रहे हो आतंकवादियों के खिलाफ? ये आखिरी मौका है हमारी पुलिस फोर्स के लिए
वहां चेक पोस्ट बनाने का, उस इलाके में जिस इलाके को आतंकवादियों ने अपना गढ़ बना रखा है। सर, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। ये चेक पोस्ट तो हम बना के ही रहेंगे। उस मशहूर आतंकवादी शाका के दांत खट्टे करके मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। वैसे भी तुम्हें एक आंख से दिखाई देता है इंस्पेक्टर यजवेंद्र, अपनी मौत को दावत क्यों देते हो तुम? लेकिन कमिश्नर साहब, शाका ने तुम पर 3 बार हमले किए हैं। शुक्र है कि तुम बाल बाल बचते रहे, इसलिए यह ऑपरेशन मैं एसपी शंकर सिंह को देता हूँ। थैंक यू सर। अब मैं कसम खाता हूँ कि शाका को जिंदा पकड़ के दिखाऊंगा। गुड, अगर तुमने ये कर दिखाया तो घुटने टेक देगा हमारे सामने आतंकवादियों का लीडर दारा। दारा, हमने पुलिस को देखते ही धावा बोल दिया था, बल्कि पुलिस की एक टुकड़ी पर कब्जा भी कर लिया था। तभी तभी पुलिस की दूसरी टुकड़ी ने पीछे से हमला कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर क्या पहुंचा हूं। शाका जरूर पकड़ा जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। बहुत अच्छा किया जो तू भाग आया, वरना तू भी पकड़ा जाता। हाँ दारा, मैं इसीलिए वहां से उल्टे पांव भाग आया। लेकिन गलत जगह पे आ गया तू, क्योंकि वहां शायद तू पकड़ा जाता या मारा जाता, लेकिन यहां तो 100% मारा ही जाएगा। तारा, नहीं। से हो सकता है गुल, उसके लिए हथियार क्यों? लेकिन शाका का क्या होगा दारा? मैंने कहा था कि मैं शाका को जिंदा गिरफ्तार करूंगा। शाका, आज तेरी ही आंखों के सामने तेरे इन साथियों को मारूंगा मैं। एसपी, शाका को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। शाका या तो मार सकता है या मर सकता है। नहीं शाका, तू मर नहीं सकता। शाका, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, तू नहीं मर सकता। सर, ये मर चुका है। खोलो इसे। उठ शाका, उठ। तू मर नहीं सकता शाका, उठ। तुझे जिंदा पकड़ना था, उठ। उठ शाका, उठ। तेरी आंखों के सामने तेरे आदमियों को मारना है मुझे, उठ। मरे हुए को क्यों मारते हो तुम? वो बेचारा मर गया है। तुम्हारे सामने उसने कैप्सूल खाया। मार दो इन सबको, टेलो। गोलियां सीने पे नहीं बेवकूफ हो, पीठ पे। अब तुम लोग सबके सब भागोगे। 10 गिनने के बाद हम गोली चलाएंगे, जो बच गया तो बच गया। भागो। भागते कायर है, चलानी है गोली तो सीने पे चला। हट। ए,
हाय क्या अदा है। तुझे कौन मारेगा मेरी जान, तुझे तो भागो आप तुम लोग, मैं कहता हूं भागो भागो, मार डालो इन सबको। यू बास्टर्ड, मैंने कहा था शाका मर सकता है, लेकिन शाका इतना कायर नहीं जो साइनाइड की गोली खाकर मर जाए। देखा हम में बर्दाश्त करने की कितनी शक्ति होती है। तू चीखा, मैं चीखा, सिर्फ मुर्दों की तरह पड़ा रहा। अब भाग भाग। फिक्र मत कर, हम पेट पर गोली नहीं चलाएंगे, तुझे जिंदा छोड़ेंगे ताकि तू जाके शाका की कहानी सुना सके, बता सके अपने डिपार्टमेंट को कि कितना जहर भरा है इस दिल जले में तुम पुलिस और पॉलिटिशियंस के खिलाफ। भाग भाग। लूट लो सारा माल। शाका शाका, मुझे फखर है तुझ पे, मुझे पूरा पूरा यकीन था कि शाका मारा जा सकता है लेकिन जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता। मैं मर नहीं सकता दारा, ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता हूं, बस मार सकता हूं, सिर्फ मार सकता हूं। शाबाश मेरे शेर, बंदूकें बम हथियार लूट लाया रे तू, तो पुलिस को लूट लाया। हाँ दारा, अब कुछ महीनों तक वो यहां बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर आने का ख्याल तक नहीं करेंगे। शाबाश मेरे शेर, आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। आज जब शाम जवान होगी तो शबाब मौसीकी पे नाचेगा। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। धड़कन से कह रहा है आरज़ू।
झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं। बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं। क्यों राजा? आई मीन राजा साहब। हाँ रघुवीर, कैसा है लगा लड़का? अरे आई मीन हमारा बेटा रणवीर। भाई हमें रणवीर बहुत पसंद आया। राधिका बेटी भी उसे बहुत पसंद आई, उसने मुझे फोन किया था। तो फिर देर किस बात की, चले आओ, कुछ रस्में कुछ कस्में पूरी कर ली जाएं। अरे क्यों नहीं, मैं तुरंत चला आता हूँ। चले आओ। भाई साहब लगता है कि यह बात बन गई। भाई रणवीर हमारे बचपन का दोस्त है, आकर वही काम आया। और उनको राधिका बेटी की पिछली जिंदगी के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। ऐसा ही रहना चाहिए लीला बहन, और तुम भी अपनी कैंची जैसी जबान को लगाम लगाओ। भाई साहब मैं तो ये कह रही थी कि कहीं ये दुनिया वाले। खामोश। हम तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि तुम हमारी छोटी बहन हो। छोटी उम्र में विधवा होकर यहाँ चली आई,
इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सर पर बैठ जाओ। दादी का बेटी तेरे तो भाग खुल गए। भाई साहब ने तेरा रिश्ता कैप्टन रणवीर सिंह के साथ तय किया है। हाय मैं सद के जाऊं। बड़ा कबरू जवान है, कुछ साल तुझे बड़ा बिजी रखेगा, हर साल एक मुन्ना। मुझे शादी नहीं करनी है बुआ। अरे बावली हो गई है क्या? बुआ मुझे बचा लो। हाँ राधे का बेटी। जी डैडी। हम तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। नजर ना लगी किसी की। इसका मंगेतर तो फौजी है, फौजी। अगर किसी की नजर लग जाए ना मार डालेगा वो तो। आइए आइए समदेवी जी आइए। ओहो जीजा जी। जी तेरो बेटा। सर यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर आतंकवादियों ने एक गांव पर हमला कर दिया है। खबर है कि शाका अपने ग्रोह के साथ गोलियों की बौछार कर रहा है। राजा साहब I'm sorry, मुझे जाना होगा। क्या? पर बेटी तुम्हारी सगाई। ड्यूटी कम्स फर्स्ट डैड। बेटे अगर तुम शाका का शिकार करने जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। राजा लेट्स गो। शाका, हाय राम, अभी सगाई का क्या होगा? मुझे पता है बुआ। क्या? सगाई खटाई में आ गई। चुप कर। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। हाय मैं क्या करूं? मैंने बोला था ना। पड़ोस के गांव पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। कैप्टन साहब के वहां जाने की वजह से ये सगाई हम मुलतवी कर रहे हैं। आप सभी से दरख्वास्त है घर जाने से पहले आप खाना खा के जाइए। जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। जो तेरी टोली उठी जमाने को चला दूंगा मैं। साहब जी शाका शाका आया शाका? था। शाका
उस हरामजादे की ये हिम्मत। यानी हमें पड़ोस के गांव में बुलाना उसकी चाल थी और फिर मेरी सगाई का शामियाना जलाना। क्यों? वो जान गया होगा कि तुम उसे मारने के लिए आए हो और अब उसने तुमसे टक्कर ली है। और क्या वजह हो सकती है ये सब करने की? अगर ये बात है तो मैं ये जंग कबूल करता हूं। जब तक मैं उसे मार ना लूं मैं शादी नहीं करूंगा। लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। शाखा का बस चले तो हर मंडप चला दे, यहां के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक लड़का होता है। सुना, लड़का होता है? कभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है? नहीं, क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं। लेकिन एक माजी तो होता है। अरे माजी को भूल, गए हुए कल को भूल जा और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। नाम मेरा शबनम है पर आप तो मैं भी हूं शाका। दिल जले, अरे लाले यहां तो सभी दिल जले हैं। इस कंप्यूटर में मैंने हर आतंकवादी का नाम, उसकी अगली पिछली जिंदगी सब कुछ दर्ज कर दिया है। दारा, शाका। सर क्या इसमें यह भी दर्ज कर दिया है कि शाका को किसी लड़की से प्यार था? प्यार? साहब छोटा मुंह बड़ी बात, मैं भी इसी इलाके का हूं। कहा जाता है कि शाका का भी प्रेमी था। इधर आओ। किससे प्यार था उसे? कौन थी वो लड़की? यहां के राजा साहब की बेटी राधिका। I'm sorry. Excuse me. भाई अब से यहाँ पे ट्रांसफर हुई है राधिका, लाइफ का मजा ही कुछ और है। रियली ब्यूटीफुल प्लेस। वैसे राधिका तुम शाका को जानती हो? सच बताना राधिका, सच। मैं नहीं जानती थी। फिर लोग क्यों कहते हैं कि तुम दोनों का एक दूसरे से प्यार था? मुझे नहीं मालूम। सोचो राधिका। वो हो सकता है क्योंकि वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था और तुम दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुमसे प्यार करता था। उसे मुझसे प्यार नहीं था, कभी नहीं था। अच्छा ही है, वैसे भी वो जल्दी मरने वाला है। यहां के लोग भी बड़े अजीब हैं, न जाने कैसे कैसे अफवाहें फैला देते। बेटे अगर बातचीत खत्म हो गई हो कुछ खाना वाना हो जाए। नहीं अंकल, अब तो मैं एक ही बार इस घर में खाना खाऊंगा अपनी शादी के दिन। रोजा बाय।
कौन? माँ। जाम बेटा। माँ। सदियों की थकान तेरी आंखों में उतर आई है, तू यहाँ क्यों आया बेटे? आजकल फौज चक्कर काट रही है इस गांव की। मां, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। कैसे, क्या हो गया? अपनी जिंदगी कहानी लगती है। मुझे अब भी याद है तेरा बचपन, तू मासूम खेलता हुआ अपने बाबूजी के साथ। मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। बंद करो, मेरी बात तो सुनो। क्या दिया इस वाले ने हमें, क्या दिया इस देश ने हमें? उतारो झंडा और गिराओ नीचे। Thank you.
मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन नहर का रुख मोड़ कर तुम हमारी हरी भरी जमीनों को बंजर कर देना चाहते हो हम इस इलाके के राजा हैं हमारे दिल में जो आएगा वो हम करेंगे राजपाट चला गया मगर हट नहीं गई हम इस प्रांत के मंत्री भी हैं समझे ये मत भूलो मंत्री साहब कि मंत्री और जनता किसान और धरती की तरह होते हैं तुम्हारा मतलब है डैडी एक मामूली किसान है और धरती किसी भी वक्त फट सकती है तुम्हारी ये हिम्मत तुम डैडी को धमका रहे हो इसलिए मंत्रियों को जनता के सामने सर झुकाकर चलना चाहिए खामोश हमारी बराबरी करता है हरामजादे मैं घूस खाने वालों की बराबरी नहीं करता डैड आपको घूसखोर कह रहा है ठाकुरों से घूस खाकर नहर का मुंह नहीं मोड़ा 10 दिन की मोहलत देता हूं हमारे खेतों का पानी वापस लौटा दो मरवा दूं इसे डैड तड़पाऊंगा इसे बेटी श्याम हाँ माँ ओ नो एक और कार्ड प्रेम पत्र पुत्र प्रेम पत्र ओए ले ले यार शुक्र मना कि कोई तेरी जैसी सूरत वाले को इतने प्यार के पैगाम भेजती है और नहीं तो क्या वरना तेरे बाबूजी को प्यार का पैगाम भेजना आता ही नहीं था है? क्या कहती हो श्यामू की माँ सच नहीं कह रही हूँ कभी इनको प्यार जताना होता था ना तो हिंदुस्तान का झंडा बेच देते थे देशभक्त जो ठहरे चल तू इधर आ बताए कौन है अब बता ही दे मुझे नहीं पता माँ मैं कह रहा हूँ मैं खुद ही नहीं जानता उफ़ो Excuse me,
आपने किसी लड़की को यहाँ कार्ड रखते हुए देखा है? कार्ड? कौन सा कार्ड? जाने दीजिए। बात क्या है? जहां भी मैं जाता हूँ इस लड़की का कार्ड मिलता है मुझे, घर में, खेत में, कॉलेज में। लेकिन इसमें लिखा क्या होता है? यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। How stupid! How stupid! Huh? Shh. अच्छा, अब तुम ही बताओ, प्यार ऐसे किया जाता है? बिल्कुल नहीं। हाँ। तो फिर कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? मुझे क्या पता? मैंने कभी प्यार किया है? ओह। अच्छा देखो। राधिका। राधिका, तुम मेरा एक काम करोगी? क्या? तुम तो कॉलेज की सब लड़कियों को जानती हो। बिल्कुल। तो मेरे लिए इस लड़की का पता लगाओ ना। मैं ढूंढूं? मैं? Exactly. Very good. Okay. अपने कॉलेज की जो कैंपिंग ट्रिप जा रही है, तुम्हारे हो ना? Of course. फिर वो लड़की भी जरूर आएगी। वहां मैं पता लगा लूंगी कि तुम पे जान छिड़कने वाली ये लड़की है कौन? Good idea. By the way, मेरा नाम शाम है। अच्छा, तुम्हारा नाम शाम है। अब हम दोस्त हैं। Okay, दोस्त, तुम्हारा काम हो जाएगा। Thank you, राधिका। See you at the trip. Bye. Hi guys. Hi. 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 Come on, let's go. Seat number 19. Oh no. Radhika. क्या? एक और कार्ड? तुम्हें कैसे पता चला? ओफो, तुम्हारा ये चेहरा बता रहा है सब कुछ। हाँ राधिका, ये लड़की बहुत चालू है। हाँ, ये सीट मेरी है। मैं इनसे जरूरी बात कर रहा हूँ, आप जाके इनकी सीट पे बैठ जाएंगी? नहीं। प्लीज। ठीक है, ठीक है। रूम नंबर क्या है यार? चलो नीचे चलके पता चलेगा। चलो मैडम के पास। राधिका, कम ऑन, कम ऑन। चलना यार। राधिका! पता चल गया, पता चल गया। क्या? कि वो कौन सी लड़की है जो तुम्हें आर्चीज़ कार्ड भेजती है? बताओ मुझे, मैं उसे। नहीं नहीं शाम, ऐसे नहीं, नॉट लाइक दिस। फिर कैसे? कल दोपहर को मैं उसे केस पॉइंट भेजूंगी, तुम भी वहीं आ जाना, ठीक 3 बजे। बस फिर तो। फिर तो मैं उसे। और अगर वो तुम्हें पसंद आ गई तो? ये तो मैंने सोचा नहीं। उसे देख के फिर फैसला कर लेना। ठीक है, तो कल 3 बजे। 3 बजे। बाय। आजा आजा आजा। अरे यार, तुम लोग छुप जाओ, आ जाएगी वो। वो आएगी कि नहीं यार? बोला है ना, जब आएगी तो आएगी। देख देख, आ गई, आ गई, आ गई। तुम? हाँ मैं। यानी कि तुम हो वो लड़की? ना 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 ना, वो लड़की तो उस पेड़ के पीछे खड़ी है। अच्छा, जाओ। अशाम, मैं उसे यहाँ पे ये कह के लाई हूँ कि उन कार्ड्स के जरिए तुम भी उसे प्यार करते हो। What? वरना आती नहीं ना। अच्छा ठीक है, अब सुंदर तो है ना? हाँ हाँ, बहुत। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाय श्याम। वो तो क्यूट है ना। अरे पहलवान है, तुमसे प्यार कर।
करती है। हो नहीं सकता। तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए। ये हो नहीं सकता। वो देखो तुम्हें। अरे बाप रे, अरे ये हो नहीं सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। किसी की याद में नींद उड़ा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, नहीं सकता, हो नहीं सकता। मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच हो नहीं सकती, मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच हो नहीं सकती। किसी को भी मैं ख्वाबों में बसा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हावों के रंगों से झलकी जो तस्वीर है, होठों में कलियां हैं, आंखों में सागर है, जुल्फों में जंजीर है। दिल नशी है वो नाजनी, सारी दुनिया में सबसे हसीन जो है तस्वीर इस दिल में कहीं वो मिल नहीं सकती, जो है तस्वीर इस दिल में कहीं वो मिल नहीं सकती। और उसके बिन कहीं दिल मैं लगा लूं, नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता।
सपनों के दर्पण में पलकों की झिलमिल में मेरे मन में रहती है जो रंगत है खुशबू है नगमा है जादू है क्या कहना कैसी है वो मेरे ख्वाबों की मूरत है वो क्या कहें कैसी सूरत है वो जिसे दिल ढूंढे दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती जिसे दिल ढूंढे दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती तो फिर ये दिल की दुनिया में सजा लूं हो नहीं सकता हो नहीं सकता हो नहीं सकता हो नहीं सकता अरे राधिका मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्यों क्योंकि मुझे कुछ हो गया है राधिका क्या प्यार प्यार किससे मत पूछो राधिका बताओ ना वही जो मुझे आज ही इस कार्ड भेजती है वो मोटी राधिका तुम उसे मोटी मत कहो जी चाहता है उससे बार बार मिलूं और मिल भी रहा हूं कल मंकी पॉइंट पे शाम 5 बजे ओ थैंक यू राधिका तुम सच्ची दोस्त निकली आई इन लव राधिका राधिका वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं नहीं तो मैं पानी में डूब के मर जाऊंगी राधिका 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 मार मोटी तुम यहाँ मैं तो यूं ही टहलने आई थी वो नहीं आई बैठो बैठो ना आई है कहाँ पेड़ के पीछे तो जाओ मिलो उससे हिम्मत नहीं होती तुम चलो मेरे साथ मैं नहीं आऊंगी चलो ना चलो यहाँ तो आज मैंने खुद किसी को ये कार्ड्स खरीदते हुए देखा है कहाँ कहाँ नहीं उसने मुझे कार्ड्स भेजे खेतों में घर में बस में कॉलेज में इतना प्यार कोई अपने दिल में छुपाए बैठा है एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूं कि वो जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं भी उसे एक प्रेम पत्र लिखूं तो लिख दो ना हिम्मत नहीं होती तुम लिख दो मैं नहीं क्यों मेरे पास पेन लो लिखो माय डियर राधिका आप मेरा मतलब मंजू तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है हैंडराइटिंग सेम है ना क्या क्यों नहीं दिया क्या तुम मुझसे वो सब मजाक था
छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ अब नहीं छूटेगा। छोड़ो मेरा हाथ।
भी बिजली न जाने आज क्यों चली गई। हाँ? मैं देखता हूँ। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम लोग? जामू का नाम सुना है? तुम वो आतंकवादी हो? एक रात की पनाह चाहिए, खाना चाहिए। ओए, खोलो। सुन, अगर हम मारे गए तो इस गांव पर ये बम फेंक कर मरेंगे। यहाँ का हर एक बच्चा, मर्द और औरतें जलकर राख हो जाएंगे, समझा? जा जा, जाकर फैसला कर ले। मुखिया, जम्मू आतंकवादी इस गांव में कोसा है, उसने कहीं तुम्हारे घर में तो पना नहीं लिए? हाँ? नहीं। देखो, वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम सोना भी तो एक आंख बंद करके। वो जरूर रामू हलवाई के यहाँ गया होगा, वहीं ढूंढते हैं। उसे पकौड़ियां खाने का बड़ा शौक है, जैसे मुझे गोलगप्पे खाने का। लगता है सुबह होते ही चले गए। आज कॉलेज का ट्रिप वापस जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। श्याम, I'll miss you। क्यों, वापस जाके मिलने का इरादा नहीं है क्या? I love you। Me too। क्या कहा? कॉलेज में सब हम पर हंस रहे हैं डैडी। हाँ? ट्रिप में खुल्लम खुल्ला राधिका श्याम के साथ घूम रही थी। ओहो, तभी तो मैं कहूँ कि जब से ये वापस आई है ये दीवानी सी क्यों है, कहीं ये प्यार तो नहीं है भाई साहब? कौन है ये श्याम? केसरी का बेटा। अरे वही जिसने डैडी की पब्लिक में टोपी उछाली थी। खून, थप्पड़ से खून? पूछो, ये थप्पड़ मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि आप उनको नहीं मार सकते, इसलिए। तू जानना चाहता है कि मैं उनके साथ क्या कर सकता हूँ? नहीं, मेरे तो अभी से पेट में कुछ हो रहा है, लेकिन डैडी मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, आप ऐसा मत करो। मुझे बेइज्जत किया उस केसरी ने, श्याम ने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला, और तू कहता है कि ऐसा मत। भाई साहब, राधिका को भी कुछ कहिए ना। खबरदार, एक बात सब ध्यान से सुन लो, राधिका को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके प्रेम के बारे में कुछ जानते हैं। राधिका जी, आजकल गोलगप्पे बहुत खा रही हैं। खाइए खाइए, जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। सबसे पहले श्याम और उसके खानदान का सर्वनाश कर तो दें। कैसे? तरीका मैं बताई देता हूं सरकार। श्याम के बाप ने जामू आतंकवादी को एक रात के लिए पनाह दी थी। बोल, तूने आतंकवादियों को पनाह दी थी क्या? हाँ बेटे, उनको कोई इंस्पेक्टर यजवेंद्र पकड़ कर ले गया। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर यजवेंद्र सिंह। इस टॉर्चर का हम यही मध्यांतर करते हैं, हम फिर आएंगे ब्रेक के बाद। इंस्पेक्टर, मेरे बाबूजी को किस जुर्म में गिरफ्तार करके लाए हो यहां? गोलगप्पे? ओए कांस्टेबल, तूने हमको बताया नहीं कि हमारे गोलगप्पे आ गए? आप मसरूफ थे सरकार। ओ, जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। ए, खाओगे गोलगप्पे?
मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी को तड़के बड़े थाने ले गए, वहां जाकर ढूंढो। लेकिन उनका जुर्म क्या है? आतंकवादी हैं वो, मिले हुए आतंकवादी। इंस्पेक्टर, तुझे मालूम है मेरे थाने में चिल्लाना गैर कानूनी है? बात समझ में नहीं आती तेरे? तेरे बाप को जेलर आज तड़के तड़के बड़े थाने लेके गया, टाड्डा लगा उसके ऊपर टाड्डा। वहां जाके मिलने की कोशिश करेगा ना तो वहां भी नहीं मिल सकेगा। तेरा बाप तो गया लंबे चक्कर में अंदर। मैं ऊपर तक जाऊंगा, बड़े से बड़ा दरवाजा खटखटाऊंगा और अपने बाबूजी को छुड़ा कर लाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, हु इज दिस बॉय? आपकी पुलिस ने मेरे बाबूजी को बिना वजह किसी जेल में बंद कर रखा है। दिस इज माय प्राइवेट पार्टी, इट्स नॉट माय ऑफिस। लेकिन सर, आपसे आपके ऑफिस में कोई मिलने नहीं देता। ओए, इस लड़के को बाहर निकालो। सर प्लीज सर, आप समझते क्यों नहीं, पुलिस ने किसी गलतफहमी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है सर। वो आतंकवादियों से मिले हुए नहीं है सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज सर। पहले भी मिल चुके हैं, इन लोगों ने मेरे बाबूजी को बंद कर दिया अंदर जेल में। सर आपको इंसाफ करना होगा सर। मेरे पीए से मिलो, चलो भाई। सर आप मुझसे पहले भी मिल चुके हैं सर। सर सर मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए सर। आपने कॉलेज में एक बार मेरी पीठ थपथपाई थी सर। सर मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है सर। सर प्लीज सर, मैंने तुमसे कहा ना, अंडरस्टैंड सर, नहीं प्लीज सर, सर 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 एक बार मेरी बात सुन। और मैंने तो तुझे कहा था कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है, आज तेरी जिंदगी मैं खट्टी कर दूंगा। तेरी ये हिम्मत, ए ले चलो इसे। चिश्ती की जमीन, धरती इतनी प्यारी और है नहीं कहीं, जख्मी क्यों है ऐसी प्यारी धरती का बदन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। बुआ, मैंने अभी शाम के बारे में बहुत बुरा सपना देखा। उसने इतने दिनों से मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या हुआ होगा उसे बुआ? होना क्या है, जेल में है वो। क्या? वो और उसके पिताजी आतंकवादियों को शरण दिया करते थे। ये हो नहीं सकता। पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं लोग बेटा। नहीं बुआ, मैं ये नहीं मान सकती। बुआ मैं शाम से मिलने जाऊंगी। नामुमकिन है बेटा, उसको पुलिस वाले न जाने किस गुमनाम जेल में ले गए। शाम, आपकी यह हालत बना दी। बाबूजी, बाबूजी, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मार मार के चेहरे को गोलगप्पा बना दिया मैंने। शाबाश। जरा सोचो इन नोटों से कितनी चाट की प्लेटें आएंगी। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। हरामजादे, तू है षड्यंत्र के पीछे। अपने ना होने वाले ससुर से इस तरह बात करते हैं क्या है? रहने दे रहने दे। पहले ये बता, इन बाप बेटे ने ये कबूल किया कि नहीं कि ये दोनों आतंकवादियों से मिले हुए हैं? बदला लेना है तो मुझसे ले कमीने, मेरे बाबूजी को क्यों उतार पाता है? जिसने हमारे खानदान की लड़की पर बुरी नजर डाली उसके पूरे खानदान का सर्वनाश कर देंगे हम। तेरा प्यार मुझसे कभी जीत नहीं सकता, कभी नहीं। मारो इसे, इतना मारो कि ये और इसका प्यार दोनों इस काल कोठरी में दम तोड़ दें। बाबूजी, बाबूजी, वो धुन, वो गीत जिसे सुनाकर मैंने तुझे बड़ा किया, एक बार वो गीत मुझे सुना दे बेटा। चाहे मेरा अंत जैसा भी हो रहा हो, मैं नाउमीदी की मौत नहीं बनना चाहता मेरे बेटे, नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं बाबूजी, सुनाते 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 यार। मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके पास से निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। बाबूजी, बाबूजी, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन। है वतन, है वतन, है वतन,
जाने मन जाने मन जाने मन। सत ए बॉडी को बाहर निकालो। हाथ नहीं लगाना मेरे बाबूजी को। पास के जंगल में ले जाके आग लगा दो। नहीं ए, मुझे मालूम है कि बाप की चिता को आग लगाना बेटे का हक होता है, लेकिन ये लापता है और लापता ही रहेगा। हड्डियां तक नहीं मिलनी चाहिए इसकी, समझ गया? इसको ले जाके दूसरे सेल में बंद कर लो, ले जाओ। और तुम लोग खड़े मत रहो, बॉडी को बाहर निकालो, बांस मार रही है। चलो आजा आजा आजा। भाग गया। क्या जेल तोड़कर भाग गया? कैसे भाग गया वो? मुख्य समाचार। आज शंकर मार्केट में श्याम ने सरेआम गोलियां चलाकर अपने आतंकवादी होने का सबूत दिया। इस हादसे में अनेक जख्मी हुए और कई मासूम लोगों की जानें गईं। सरकार
बोला था, मैंने बोला था डैडी। क्या हुआ तुम? तूने मेरे बाबूजी को मार डाला, अब मैं तुझे भी मार डालूंगा। श्याम, बेटी तुम जानती हो इसे? आतंकवादी है ये, तो झूठ बोलता है। नहीं, झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है। हेलो पुलिस, रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। श्याम, आतंकवादी हो तुम। सब कहते रहे कि तुम आतंकवादी हो, सारे अखबार, टीवी, मेरी बुआ, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। लेकिन आज तुम्हारे हाथ में ये बंदूक, तुम आतंकवादी हो। राधिका, तुम तो अहिंसावादी थे और तुमने ही अपने हाथों में बंदूक उठा ली। राधिका तुम सच जानती नहीं, इन लोगों ने मेरे बाबूजी को मारा है। झूठ कह रहे हो तुम, तुम्हारे बाबूजी आतंकवादियों से मिले हुए थे। जहर भर दिया है, जहर भर दिया है इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ। बोल। ये तो हमारे प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पकड़ लो इस आतंकवादी को। आतंकवादी कहती है सरकार हमें, हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं, हुकूमत के सताए हुए लोग हैं हम। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे बाबूजी के साथ क्या किया उन्होंने, यह भी जानता हूं, और इस सब का एक ही जवाब है, ये उठा लो बंदूक और भूल जाओ कि तुम शाम हो। मर गया शाम, आज से एक नई ताकत ने जन्म लिया है, शाका। शाका, 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 टूट पड़ो उन पर जो तुमसे जीने का अधिकार छीन रहे हैं, तबाही मचा दो चारों तरफ, ताकि पुलिस को, सरकार को सबक मिल जाए। हिंदुस्तान की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। बेटे, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया शाका, तुम
बास्टर्ड। मैंने कसम खाई थी मेरी लाश पे पैर रख के शादी के मंडप में जाने की। अच्छा ही है तुम जानते हो। मेरे ख्याल से तुम कुंवारे ही मरोगे। तुम शायद मेरे प्यार की ताकत को जानते नहीं शाका। प्यार की ताकत को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करती थी, कभी नहीं। ये उससे बेहतर और कौन जान सकता है। मरोगे तुम मेरे ही हाथों मरोगे, और वो भी जल्दी। जान प्यारी है तो उसका ख्याल तक अपने दिल से निकाल दो, वरना चल जाओगे, क्योंकि हम दिल चले हैं। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बोला था ना। देखो जिंदगी का मजा जो है ना खट्टे में है, और तुम दिखते हो गोल गप्पे की तरह। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं तुम्हें उस लड़के शाम को उसके बाप के साथ ही मार देना चाहिए था। उस शाम को शाका बनाया हम लोगों ने, और आज वो हम लोगों की मौत बनके हमारे सर पे मंडरा रहा है। उसे आतंकवादी साबित करके फांसी पे चढ़ाना तुम्हारा काम था। सोचा तो था मैंने उसे फॉल्स एनकाउंटर में मार दूंगा। तो मारा क्यों नहीं? उससे पहले कि मैं उसे मारता, वो हरामजादा मेरी आंख फोड़ के भाग गया। मैंने बोला था ना। नहीं नहीं, अभी दो में से एक आंख बची है ना, तो दो का एक दिखाई देता होगा। बिल्कुल ठीक कहा तूने, प्लेट में दो गोलगप्पे हों तो मुझे एक दिखाई देता है। नहीं लेकिन ये चार है। नहीं बेटा दो है। नहीं नहीं ये चार है। दो है। ये चार है। दो है। खामोश, तुम लोगों को गोलगप्पों की पड़ी हुई है। वहां शाका की मौत के इंतजार में कैप्टन रणबीर हमारी बिटिया के साथ शादी करने को तैयार ही नहीं। कैप्टन रणबीर क्या मारेगा शाका को? शाका को मैं मारूंगा, मैं, वरना मुझे ये चाट हराम है। मुझे माफ कर दो। नहीं, तारा जनरल अब्बासी, हिंदुस्तान की सरहद पार करके अब तुम हमारे मुल्क में आ पहुंचे हो। कहिए इस नाजीज को कैसे याद किया? हिंदुस्तान में जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उससे हमारे हाकिम नाखुश हैं। ओ, तो उन्हें खुश करने के लिए क्या किया जा सकता है? अकेले तुम्हारे बस का काम नहीं है दारा। तो फिर दारा को चारा क्यों डाल रहे हो? वो इसलिए कि तुम्हारे पास ऐसे लड़के हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। हाँ है तो सही। उन लड़कों को सरहद पार लाना होगा, और खास तौर पे शाका को। शाका? हाँ, हमने उसकी अखबारों में तस्वीरें देखी हैं, कई किस्से पढ़े। तो हिंदुस्तान की सरहद के पार भी शाका मशहूर होने लगा। हाँ, हम उन लड़कों को अपने कैंप में ट्रेनिंग देंगे ताकि वो चलते फिरते बम बन जाएं और हिंदुस्तान के कोने कोने में टूट पड़े। टूटो भाई टूटो। सारी दुनिया की कड़ी नजरें हम पर हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारे देश के आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। नो, नेवर। पहले हमें ऊपर से ऑर्डर मिलने दो, फिर तुम अपने लड़कों को लेके सरहद पार चले आना, ना उससे पहले ना उसके बाद। राजा साहब, मेरी कसम पूरी होते होते रह गई। शाका मेरे हाथों में आया और रेत की तरह निकल गया। तभी मैं कह रहा हूं बेटे, अपनी कसम को भूल जाओ और राधिका से शादी कर लो। चीयर्स। चीयर्स। नहीं राजा साहब, अब तो मेरी कसम और भी मजबूत हो गई है। मैं शाका को जिंदा या मुर्दा पकड़ के ही रहूंगा। उसे पकड़ने के लिए मैंने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें उसे फंसना ही होगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है,
मार दो उसे, kill him. बेटी बुआ मुझे माता के पास ले चलो. क्यों, क्या हुआ? उसकी जान की दुआ मांगनी है. उसने तेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद भी, उसने जो भी किया बुआ, लेकिन मैंने उसे दिल से चाहा है. मुझे ले चलो ना. बुआ प्लीज. जय माता दी. उसकी जान की रक्षा करो माँ. उसे सही रास्ता दिखा दो. सही रास्ता दिखा दो माँ. कैसे लगे हथियार? शाका तुम! तो ये तुम फौजियों की चाल थी. अच्छा हुआ शाका नहीं आया. क्यों नहीं आया वो? क्यों नहीं आया वो? उसे तो आना था. अरेस्ट दीज बास्टर्ड्स. ये जो खबर मिली है शाका, सचा दारा, गफूर, शमशी, राणा और प्रेमी मिलिट्री वालों के हाथों पकड़े गए. ये उनकी चाल थी मुझे पकड़ने की. हमें अपने लड़कों को मिलिट्री के चंगुल से वापस लाना होगा शाका. हमारे चारों लड़के वापस आएंगे और हमारा कोई लड़का भी नहीं मरेगा. और मिलिट्री भी अपने घुटने टेक देगी. वो कैसे? उन लोगों ने एक चाल चली थी, अब हम एक चाल चलेंगे. जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, दिल से बोलो जय माता दी. गाड़ी खराब हो गई है मैम साहब, को जम्मू तक छोड़ देंगे? ठीक है, भेज दो. जय माता दी, जय माता दी. आइए यहाँ बैठिए ना. आइए आइए. थैंक यू. बैठिए. जय माता दी, जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, पौड़ा वाली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी. क्या हुआ ड्राइवर? कोई होशियारी नहीं करेगा. अपनी अपनी जगह पर बैठो. मेरा नाम शाका है. आप सबको बंदी बनाया गया है क्योंकि मिलिट्री वालों ने हमारे चार साथी पकड़ लिए हैं. हमने उन्हें 48 घंटों का समय दिया है. वहां उन्हें छोड़ दिया जाएगा तो यहां आपको. तब तक आप लोग वही करेंगे जो हम कहेंगे. ये हो नहीं सकता. आप शायद ये आदतन कह रही हैं कि यह हो नहीं सकता, लेकिन सच तो यह है कि कुछ भी हो सकता है. और अब वही होगा जो मैं कहूंगा. आपको इन मासूम लोगों को बंदी बनाने का कोई हक नहीं है. हक की बात मत करो मुझसे. क्यों नहीं करें हम? आखिर जो तुम लोग कर रहे हो वो गैर कानूनी है. अबे ओ कानून के पुत्र, मुंह बंद रख वरना हमेशा के लिए बोलती बंद कर दूंगी. मगर क्यों, क्या गुनाह किया है हम लोगों ने?
मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। हाँ आप लोग भी भाग चलिए मेरे साथ, भाग चलिए आप लोग भी मेरे साथ, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग। तेरा मुंह मैं अभी बंद किए देता हूँ। नहीं नहीं रुक जाओ, आप इसे नहीं मार सकते। हट जाओ। मारना है तो मुझे मारो, मैं मारना चाहती हूँ। राधिका मारो मारो मुझे, रुक क्यों गए? चलाओ गोली, चलाओ चलाओ ना, मारो मार दो मुझे। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ये ले। तुमने मेरी बंदूक की नली का रुख मोड़ क्यों दिया? किसी लड़की पर गोली चलाना कहां की बहादुरी है? किसी लड़की पे या राधिका पे? एक औरत ने यही नाम लेके पुकारा था ना उसे, राधिका। और कितनी कमाल की बात है कि तुम्हें भी कभी किसी राधिका से प्यार था। और मेरा दिल कहता है कि ये वही राधिका है। क्या बकवास कर रही हो तुम, ये सब झूठ है। ऐसी बातों में औरत का दिल झूठ नहीं बोला करता। अपनी आंखें देखो, इनमें वही वो नजर आ रही है। उफ, कितना प्यार करते हो तुम आज भी उससे। नहीं, वो प्यार मर चुका है। तो फिर तुमने मुझे उस प्यार को मारने क्यों नहीं दिया, बचा क्यों लिया उसे? खैर कब तक बचाओगे उसे? उसकी जान तो मैं लेकर ही रहूंगी। खबरदार जो उसे छुआ भी। हाय, ऐसा प्यार मेरे साथ भी कर ले यार। हाँ दारा, काम हो गया शाका? हाँ, हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। शाबाश शाका, मेरे शेर, दिल जले। अब मैं मिलिट्री वालों से सौदा करूंगा अपने चार साथियों का। तू उन लोगों पर अपनी पकड़ ढीली मत करना, कोई भी शोर मचाए तो गोली मार देना। बच्चे तू खामोश क्यों हो गया? जिंदगी बड़ी अजीब है दारा, ऐसे खेल खेलती है, आपको खामोश कर देती है। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मतलब समझने के लिए दिल चाहिए दारा, जो तेरे पास नहीं है। अच्छा ही है, वरना मैं भी दिल जलों में शामिल हो जाता। दिल जले, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं। कैप्टन, दारा बोल रहा हूं। वैष्णो देवी से आने वाली एक बस के सारे पैसेंजर्स मेरी हिरासत में हैं। 48 घंटे की मोहलत देता हूं तुम्हें, मेरे लड़कों को छोड़ दो, वरना हर ढलता हुआ सूरज उनमें से एक एक की मौत देखेगा। पता लगाओ कि माता से आने वाली बस किस चेक पोस्ट के बाद गायब हुई। मेरी बेटी को बचा लो। कोई खाना नहीं खाएगा, यही तरीका है इन लोगों से लड़ने का। कौन खाना नहीं खा रहा? खा रहे बेटा, खा रहे, हम खा रहे, देखो देखो खा रहे। प्लीज जल्दी खाओ नहीं तो गोली खानी पड़ेगी, जल्दी खाओ।
लाले, इसे इन सब से अलग कर दो। आइए मोहतरमा, आइए। बेटी रुक जा बेटी। अरे आप फिक्र क्यों करती हैं? अरे मैं हूं ना। हाँ मैं कितनी अकेली हो गई। जल्दी से ये खाओ वरना बंदूक वाला फिर आ जाएगा। आप भी खाओ ना। क्या हुआ? काट दिया। बस इन दोनों चेक पोस्ट के बीच में गायब हुई। इसका मतलब कि आतंकवादियों ने उन्हें इसी एरिया में बंदी बनाकर रखा है। चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो उन्हें। Come on, move it, move it! शाका, मिलिट्री बहुत करीब पहुंच चुकी है, शायद वो हमें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? नहीं सर। न जाने क्यों लगता है कि उसकी आवाज इन वादियों में गूंज रही है। लेट्स गो। कुछ तुम कह दो, कुछ हम बहके, कुछ दिल धड़के, सांसें महके, बह जाए हम एक धारे में। क्या कहती हो इस बारे में, क्या कहती हो इस बारे में, क्या कहती हो इस बारे में। कुछ हमने कहा फिर होश में तो दिल रहा नहीं। जो कुछ भी कहा तुमने भी कहा, हमने तो कुछ चाहा नहीं। तुम सब कुछ तो देती हो एक हल्के से।
इशारे में। क्या कहती हो इस बारे में, क्या कहती हो इस बारे में, क्या कहती हो इस बारे में। लाश गिरा दो, कैप्टन हमारे आदमियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शाका, मार दो किसी एक को भी। ठीक है दारा, ठीक दो घंटे बाद पहली लाश गिरा दी जाएगी। नहीं माजी, नहीं, उनकी 48 घंटे की मोहलत खत्म होने वाली है, वो हमें मार डालने वाले हैं। बाबा, हमारी तो नई नई शादी हुई थी, हम तो माता रानी के दर्शन को गए थे। फिक्र मत करो, ये हुआ। फिक्र मत करो बेटी, माता रानी सब अच्छा करेगी। पापा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मी अब क्या होगा? मम्मी ये लोग हमें मार तो नहीं देंगे ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। मम्मी, मम्मी बहुत डर लग रहा है। हमें कुछ नहीं होगा। दीदी, सब में दहशत फैल गई है, आप ही कुछ कीजिए ना। बच्चे लोग, तुम लोग सब आओ इधर, आओ। अरे डरो मत, आओ आओ जल्दी। ये आंसू सब पोंछ डालो, रोना नहीं। हम लोग सब मिलके कोई खेल खेलते हैं, खेलोगे? नहीं। क्यों, खेलना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? चलो सब मिलके खेलते हैं। क्या खेलेंगे? अंताक्षरी, अंताक्षरी खेलेंगे, आती है ना? हाँ हाँ, चलो 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 सब। अरे आप लोग भी आइए ना, सब बड़े खेलेंगे तो बच्चे भी खेलेंगे। आइए, चलिए सर्कल में, आइए, चलो चलो बच्चों खेलो, चलो। आइए माजी, आप भी इधर बैठिए। सब लोग बैठ गए, अब शुरू करते हैं। बच्चों से शुरू करते हैं, चलो चलो बच्चों, रोसे गाओ। हम रोसे नहीं गा सकते। अरे नहीं आता, चलो जिससे आता है उसे गाओ। हे ना, बोलो बोलो।
तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। ए भाई ए भाई, जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई चलो चलो तुम लोग इसे गाओ। अरे जल्दी करो, देखो मैं पांच तक गिनती हूँ। एक दो तीन चार। इनमें नदी का बहुत अच्छे। इनमें नदी का डाई डामडी का मगा 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 शिका शिका शिका। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। के एक तरफ तो उससे प्यार करे हम, और उसको भी ये कहने से डरे हम। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। Thank you.
करो ये गाना। अगर अब किसी ने आवाज भी निकाली तो उसका सीना छलनी कर दूंगा। तकलीफ तो बहुत हो रही होगी तुम्हें। देश, मुल्क, वतन की क्या बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कॉलेज में। बस बहुत हो गया और एक लफ्ज नहीं। चली जाओ यहाँ से। तुम तो ऐसे ना थे। तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था। प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से। गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर। झूठ, बिल्कुल झूठ। शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुम जैसे दोगले आदमी से प्यार किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुमने क्या प्यार किया और हमने क्या प्यार किया। झूठ, तुमने कभी प्यार किया ही नहीं। तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है। मैंने प्यार नहीं किया। मैंने तो फिर ये बंदूक मेरे हाथों में किसने थमा दी? मेरे ही प्यार ने इतनी नफरत मेरे अंदर किसने भर दी? मेरे ही प्यार ने वतन, मुल्क, देश, बाबूजी, घर, माँ, क्या नहीं खोया मैंने अपने इस प्यार के खातिर। इस प्यार ने तो मेरी सारी जिंदगी बदल कर रख दी। और तुम कहती हो मैंने प्यार नहीं किया। बहुत प्यार किया है तुमने मुझसे, बहुत प्यार किया है। हाँ, क्या इस प्यार के भरोसे मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती है हम जैसे गरीबों की। मांगो, मांग कर देखो, जान तक दे दूंगा। मुझे तुम्हारी नहीं, उन सब जानों की सलामती चाहिए जो यहां पर कैद हैं। छोड़ दो उन्हें। उनमें मासूम बच्चे हैं, निर्दोष औरतें हैं, वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं। तुम्हारी दुश्मनी चाहे जिनसे भी हो, उनका गुस्सा इन पे मत निकालो। तुम्हें गुमराह किया गया है इस आतंकवाद के अंधेरे में। तुम तो इतने बेरहम नहीं थे। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया कि तुमने कितना प्यार किया है मुझसे। ठहरो, मांगी तो तुमने मेरी जान ही है, लेकिन जो मेरे प्यार का दावा ना साबित कर सके वो जान किस काम की। क्या चाहती हो तुम? उन लोगों की रिहाई? जाओ, छोड़ा उन्हें। लेकिन उन्हें रिहा करने की एक शर्त है, तुम मेरे पास बंदी रहोगी। मंजूर है। एक आतंकवादी और क्या शर्त रख सकता है? बहुत जल्द तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप के मुंह से उगलवा दूंगा कि ये आदमी शाम से शाका कैसे बना। मैंने शाम से प्यार किया था। जिस दिन शाका शाम बन जाएगा, मेरा वो प्यार भी लौट आएगा। लेकिन मैं जानती हूं ये हो नहीं सकता। बुआ, अब आप आजाद हैं, आप सब जा सकते हैं। ये ठीक कह रही हैं, तुम सब आजाद हो,
अपने अपने घर जा सकते हो, जाओ। चुक चुक जियो बेटा, खबरदार अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो कोई नहीं जाएगा यहाँ से। मैंने अपनी जबान दी है। शाका तुम पागल हो गए हो, दारा से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो इस लड़के की खातिर? यही समझ लो कि मेरा पहला मकसद कुछ और है। दारा तुम्हें जान से मार देगा, उससे बचोगे तो हिंदुस्तान की फौज तुम्हारी जान ले लेगी। हम तो कब से अपनी जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं, कम वक्त कोई लेता ही नहीं। मुझे पता था ये लड़की तुम्हें अपनी मौत के करीब ले जाएगी। खबरदार जो मेरे फैसले में दखल देने की कोशिश की। चली जाओ यहां से, चली जाओ वरना गोली चला दूंगा। तुमने हम पर गोलियां चलाई, अपने साथियों पर? चली जाओ यहां से। शबनम, लगता है इस परेश का जुनून सवार है। इस वक्त चलो यहां से, मेरी बात मानो। ड्राइवर, इन सबको अपनी मंजिल तक पहुंचा दो। चल बेटी, जल्दी चल, चल। चलो। आप जाइए बुआ। और तू? ये समझ लीजिए कि इसने आप सबकी रिहाई की कीमत चुकाई है। क्या? और हाँ, राजा साहब को मेरा एक पैगाम देना, मैं आ रहा हूं, लेकिन इस बार शाम बनकर नहीं, शाका बनकर। समझ गई बेटा, समझ गई। पर अगर मैं राधिका के बिना घर जाऊंगी तो मुझे बहुत मार पड़ेगी बेटा। तू तू राजा साहब के पास पहुंचना चाहता है तो ऐसा कर, तू भी हमारे साथ बस में जा रहा है। अब चलो भी, हमें भी तो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचना है। चलो राधिका बेटी, अपना ख्याल रखना। हाँ चलो। तुम काला मुंह लेकर इधर चली आई? मैंने सोचा हम दोनों में से एक की तो जान बचे। डरपोक है बुआ। ओह, तू कितना बहादुर है ये अब पता चलेगा। शाका सीधा यहीं आ रहा है। क्या? हाँ डैड, डैड मैंने बोला था ना डैड, अब आप परलोक से धारने की तैयारी कर लो। ओह भाई साहब, इसको मारने से कुछ नहीं होगा, शाका ने कसम खाई है आपको मारने की। मैंने बोला था ना। मैं अब भी कहती हूँ अपने आप को हिंदुस्तानी फौज के हवाले कर दो। हिंदुस्तान की फौज तुझे क्या मारेगी? तुझे तो मैं मारूंगा। मैं मैं जानता था जैसे ही मेरी बंदूक तेरी कनपट्टी पे आएगी ना, डर के मारे तेरी बंदूक नीचे गिर जाएगी। पर आतंकवादी तो अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, बंदूक अपने पास गिराइए। अभी सब सेट करता हूं। ये क्या? मुझे मेरे नीचे उतारो। अरे
मुझे मत मारो। अरे मारना है तो इसके बाप को मारो जिसके कहने पे मैंने सब कुछ किया। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे बाप के कहने पे किया। उसने मुझे पैसा दिया कि इन बाप बेटे को मार मार के आतंकवादी बना दो, क्योंकि ये तुमसे प्यार करता था। अरे मुझे तुम्हारी प्रेम कहानी से क्या लेना देना? मुझे बचा लो राधिका, मैं तुम्हारे बाप के पैसे भी देने को तैयार हूँ। मैं घूसखोर बना इस चटोरी चटोरी जबान की वजह से। अरे मुझे चाट खाने का शौक था, मैं घूस लेना भी छोड़ दूंगा। मुझे बचा लो राधिका, मुझे बचा लो। मुझे मत मारना, मैं मरना नहीं चाहता। तुम चाहो तो मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दो, मेरी टांग काट दो, मेरी नाक काट दो। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। ऊपर ना चाट मिलती है ना गोलगप्पे, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। ऊपर गोलगप्पे कैसे खाऊं? इतना दर्द, इतनी तकलीफ, तुमने मेरी खातिर मुझे माफ। आज यहाँ के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो, भोले भाले लड़कों को आतंकवादी बनाते हो। मुझे शाखा का सर चाहिए दारा, वरना वो तुम्हें मार देगा। मिल जाएगा। शाका की तलाश जारी है। और दूसरा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब, हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत बोलो। बड़ी धाक है आपकी इस इलाके में। आप यहाँ के राजा जो ठहरे, और फिर ऊपर से मन काम की बात करो, काम की बात। हमारे चार आदमी आपकी मिलिट्री ने पकड़ रखे हैं। थोड़ा वक्त दो, उनको भी छुड़वा देंगे। और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा। अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पलटन होगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मिलिट्री वाले उनकी लाशें बिछा दें और मैं अकेला उस पार पहुंचूं। ठीक है, तुम्हारा ये काम भी मैं करवा दूंगा। बहुत खूब। शाका का सर तो तुम्हें यहीं पेश कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी वो हमें बॉर्डर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी। ठीक है। देखो गुल, देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं, इसीलिए ना तो कभी यहां आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है। शाका के मिलते ही इतला कर देना। लेकिन बुआ, राधिका शाका के साथ गई क्यों? बेटा वो इसलिए कि नहीं बेटा, अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता। सच तो ये है कि राधिका शाका से ही प्यार करती है।
कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, नहीं होती उनकी प्रेम कहानी। अब क्या यही फिर से गाकर सुनाऊं तुझे? देख, प्रेम कहानी ने तुझे गद्दार बना दिया, गद्दार। तारा के साथ गद्दारी की तूने, बंद कर दो इसे, लड़की को भी। राजा साहब को इतला कर दो कि उनकी लड़की मिल गई है। Fantastic. 15 दिन बाद तुम्हें अपने पूरे साथियों को लेकर बॉर्डर पार हमारे मुल्क आना है, ये उसी की पेशकी है। जानता हूं कर्नल जनाब, और बॉर्डर पार करवाने में राजा साहब हमारी मदद करेंगे। और उसके बाद तुम मेरी बेटी मुझे वापस कर दोगे? बेशक, लेकिन अभी भी तुमने एक वादा पूरा नहीं किया। क्या? शाका को मारने का। शाका का क्या, वो तो हमारी कैद में है, समझ लो कि उसे मार दिया। राजा जैसे कमीने लोगों के साथ मिल गया, शर्म है तुझ पर। खामोश, गद्दार। गद्दार तो तू है दारा। बहुत खूब,
दारा की बिल्ली शाका की बोली बोलने लगी। आज एक नहीं दो प्यार के नशे में नाची हूँ मैं दारा, एक शाका का प्यार और दूसरा इस देश के लिए प्यार। तू और देशभक्त? तेरे मुकाबले तो देशभक्त ही हूँ मैं, तू तो दुश्मनों से पैसा लेकर इस धरती माँ का सौदा कर चुका है। हाँ, दारा पैसों के लिए अपने देश को भी बेच सकता है, किसी भी देशद्रोही को अपना साथी बना सकता है। दारा, हमारी लड़ाई इस देश को बर्बाद कर देने की कभी नहीं थी, बल्कि इस सिस्टम के खिलाफ थी, ऐसे घुसखोर पॉलिटिशियंस को खत्म करके फेंक देने की थी। शट अप राजा, मार तो मैं। दारा, मार दे इस हरामजादे को। किल हिम। इस धरती से गद्दारी मत कर दारा, वरना यह धरती फटेगी, शोले उगलेगी और तुझे राख कर देगी। राख तो मैं तुझे कर दूंगा हरामजादे, ढूंढो इसे। या खुदा, मेरे दोस्त को उसकी मोहब्बत दिला देना। कैप्टन, तो मेरा होने वाला जवाई है, अगर मेरी शक्ल देख ली तो? ठीक है, तुम पिछले रास्ते से निकल जाओ। लेकिन मेरी बेटी? उसे मैं ले आऊंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। छोड़ो मुझे। तुम राधिका के पास जाओ, मैं नहीं रोकती हूँ। राधिका, शाका चलो बॉर्डर की ओर, दारा वहीं जाएगा जहां बॉर्डर पार के दोस्त उसे बचा सके। जल्दी चलो, हमें आज ही बॉर्डर क्रॉस करना होगा राजा साहब, और शाका भी हमारा पीछा कर रहा होगा। ए, ए लड़की। अरे बेटी, राधिका बेटी। अरे बेटी, राधिका बेटी, मत छुइए मुझे, मैं आपकी सारी सच्चाई जान गई हूँ। श्याम के बाबूजी की खुदी आप है, आपने श्याम को शाका बनाया है। हमने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया बेटी। झूठ, आपने ये सब अपनी झूठी शान के लिए किया है। हाँ हाँ, अपने खानदान की इज्जत के लिए किया है। छोड़िए मुझे, काश मैं अनाथ पैदा हुई होती, और अगर आज भी अनाथ हो जाऊं मुझे कोई गम नहीं होगा। ए लड़की, ये क्या नाटक लगा रखा है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो वरना। वरना क्या कर लोगे, मार डालोगे? मारो मारो। तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। डैड, मैंने बोला था ना। शट अप। राधिका। ए, नहीं दारा। नहीं तो फिर चलो। चलती हूँ, लेकिन शाम तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। हमें जल्द से जल्द मदद चाहिए, ओवर एंड आउट। इस गुफा का मुंह जल्दी से ब्लास्ट करो। ओके सर। मुझे दारा और शाका का पीछा करना है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जनरल अबासी, मैं दारा बोल रहा हूँ। बोलो दारा। अपने जवानों को आगाह कर दो कि कुछ ही घंटों में हम हिंदुस्तान की सरहद पार करके तुम्हारे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? हमने तुम्हें पैगाम भिजवाया था कि तुम्हें 15 दिन के बाद आना है। यहाँ की मिलिट्री ने हम पर धावा बोल दिया है, हमें आज ही बॉर्डर क्रॉस करना पड़ रहा है। नो नो, नहीं दारा, अमेरिका से ग्रुप आया हुआ है,
वो हमारे बॉर्डर का मुआयना करने वाले हैं। हम उन पर यह जाहिर नहीं होने देना चाहते कि हम आतंकवादी को पनाह देते हैं। मैं कुछ नहीं जानता जनरल अब्बासी, हम बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आ रहे हैं। ओवर एंड आउट, चलो। राजा साहब, यह हिंदुस्तान की आखिरी चौकी है। यहां से पार करवाने का आपका हमारे साथ वादा था, उसके बाद आपको आपकी बेटी मिल जाएगी। ठीक है, मैं जाता हूं। डैडी, डैड, मैंने बोला था ना अपने फौजी भाइयों से गद्दारी मत करो, डैड भारी पड़ेगा। शट अप। दारा आतंकवादियों के साथ आज ही सरहद पार करना चाहता है जनाब। यस सर। मैं इस प्रांत का मंत्री हूं, कैप्टन साहब से मिलना चाहता हूं। कप्तान साहब, यहां के राजा साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कैप्टन, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, तुम जाओ। सर। और सुनो। सर। सबको लेकर चौकी नंबर 4 पे जाओ। ओके सर। कप्तान साहब ने हमें 4 नंबर चौकी पर जाने को कहा है, चलिए आइए मेरे साथ। मेरे साथ इंटेलिजेंस के कुछ लोग हैं जो आतंकवादी के बेस में हैं। उनका बॉर्डर क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर आप केके, तुम मिलिट्री को रोको, हम आगे बढ़ते हैं। पीछा करो उसका, देखो लड़की किधर गई। मेरे देशभक्त बाबूजी को आतंकवादी करार दिया ना तूने, मरवा दिया ना उन्हें। मेरी मां की जिंदगी बर्बाद कर दी ना तूने। मेरा घर उजाड़ दिया तूने, मुझे आतंकवादी बना दिया। मुझे माफ कर दे, याद कर सब। याद है मेरे बाबूजी, मेरे बाबूजी, बाबूजी। मैंने बोला था फौजी भाइयों, बाकी सब तो भाग गए, अब मुझे गिरफ्तार कर लो, कम से कम उनकी चंगुल से तो बचा। किसी को तो अपना प्यार मिला, खुदा का शुक्र है।
जी चाहता है तुम दोनों को गोली से उड़ा दो। गोली चलानी मुझे भी आती है, जानता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात मुझे कहने नहीं आई कि तुम दोनों का यह प्रेम अमर प्रेम है। मैं सब कुछ जान गया हूं, तुम्हारे बुआ और वीरेंद्र ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों को तो सल्यूट करने को दिल करता है, क्या प्यार किया है तुम दोनों ने, क्या आशिक की है। लेकिन अफसोस शाका, तुम एक आतंकवादी हो और मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। चाहो तो मुझे सूली पर चढ़ा दो, बस एक बार मुझे दारा और बाकी लोगों को गैर मुल्क में जाने से रोकने दो, क्योंकि अगर वो चले गए तो इंसान नहीं आरूद बनकर लौटेंगे और इस देश को तहस नहस कर देंगे। बस एक बार मैं उन्हें रोक लूं, फिर तुम जहां मुझे ले जाओगे मैं चलने को तैयार हूं। राजा, लगता है हम सरहद पार आ गए हैं, यह गैर मुल्की चौकी है। ये लोग यहाँ माइंस क्यों लगा रहे हैं? Oh no. माइंस? ये क्या है? ये जमीन में धसे हुए बॉम्ब होते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देते, इन पर कोई पैर रखे तो फट जाते हैं। लेकिन ये लोग माइंस लगा क्यों रहे हैं? कौन है ये लोग? हिंदुस्तानी है जनाब। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी? अरे शाका हो तुम, हिंदुस्तान का मशहूर आतंकवादी, अब हमारी गिरफ्त में। वेरी गुड जनाब, दोनों नीले झंडों के बीच माइंस लगाने का काम पूरा हो चुका है। गुड, आने दो दारा को अपने साथियों के साथ हमारी सरजमी पर। दोनों झंडों के बीच पांव रखते ही उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन तुम तो उनके हमदर्द हो, तुम ही तो आतंकवादी बनाते हो। हाँ, हम ही उन्हें पैदा करते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से उनका इस्तेमाल भी करते हैं, और कहीं उनकी वजह से हमारी असलियत का पर्दाफाश होने का डर हो तो हम उनका नेस्तनाबूद भी कर देते हैं। फिर जरूरत पड़ने पर दौलत का लालच देकर हम और आतंकवादी पैदा करते हैं। अब तुम लोग भी हमारे असलियत जान चुके हो, इसलिए तुम लोगों का खात्मा भी बहुत जरूरी है। किल देम। हिंदुस्तान को मिटाना चाहता है, जो जब हिंदुस्तान को मिटाना चाहेगा मिट्टी में मिल जाएगा। देखो तारा और उसके साथी आ रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। पागल हो गए तुम? मैं आतंकवादियों का खात्मा ही तो चाहता हूं। तुम आतंकवादियों का खात्मा चाहते हो और मैं आतंकवाद का। शाका रुक जा, तारा आगे माइंस है। रुक जाओ, दोनों नीले झंडों के बीच में माइंस है। शाका सरहद के पार? तारा रुक जाओ, आगे मौत है। ये शाका की चाल है, चलो सब पे सब मारे जाओगे। आगे बढ़ो तारा। हमें धोखे में नहीं आना है, आगे बढ़ो तारा। रुक जाओ। Oh.
शाखा, शाखा। माँ। पीटा। जिंदा हो? हाँ मेरे बच्चे, भगवान ने मुझे मेरा शाम लौटा दिया। माँ जी ठीक कह रहा, देखा शाका मर गया और शाम बच गया। अमा जानता है तूने क्या कर दिखाया है? जानना चाहता है? उठ रणवीर। लेकिन ये तो कुछ नहीं होगा, इसे शेर है ये। लोगों ने तय कर लिया था कि जब तक तुम होश में ना आ जाओ ये यहां से जाएंगे नहीं। तुमने सही कहा था शाका, हमने अपनी आंखों से जमीन को फटते हुए देखा, उसने शोले उगले। दरअसल वो शोले हमारे लिए थे, पर तूने अपनी जान पर खेलकर वो अपने ऊपर ले लिए। तूने तो इस जमीन से बहुत प्यार किया है शाका, फिर इस जमीन के शोले तुझे राख कैसे बना सकते थे? तब हमारी समझ में आ गया कि हम गद्दारी किससे कर रहे हैं, उस देश से, उस जमीन से जो हमारी मां है। बस यार हथियार छूट गए, दिल बदल गए, अपनी जान पर खेलकर कैसे कर लिया तूने ये सब यारा। शाका से शाम बनना चाहता था, किसी की खातिर दिल जले, दिल जले, दिल मिले, दिल मिले। गलत था मैं, आतंकवादी की प्रेम कहानी होती है, होती है। प्रेम ही आतंक का अंत हो सकता है, प्रेम ही आतंकवाद का अंत है। चलता हूं। खुश रहो तुम दोनों, अलविदा। शाका ने अपनी जान पर खेलकर सारी दुनिया के नाम एक पैगाम दे दिया, अमन और शांति का पैगाम। यही उसका पश्चाताप था और प्रायश्चित है। कानून ने शाका की इस कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए अपनी सजा सुनाई।